भिलाई शहर सुखरिंदर राठौर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी संख्या में महिला और अन्य लोग गांजा बेचने का काम करते हैं। एसपी दुर्ग के निर्देश पर उन्होंने टीम को इसमें लगाया था, साथ ही शहर के प्रवेश एवं निकास के रास्तों पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वहां चेकिंग के समय जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत बोगदा पुलिया के पास नंदिनी की ओर से आती हुई टाटा मिनी ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, जो कि वाहन का चालक वाहन को भगाने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर मिनी ट्रक में भरे कोयले के बोरों के बीच छिपा कर रखा गया काले रंग के 5 प्लास्टिक के बोरों में तकरीबन 150 पैकेट में भरा 150 किलो गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों दिनेश डहरिया उर्फ सोनी, शिव कुमार टंडन और खिलावन यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा एवं वाहन सहित तकरीबन 60 लाख रुपए की मशरूका जब्त किया है। तन बदमाश लोग हैं जो छूटे हुए हैं, जेल से निकले हुए लोग हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी और दुर्ग शहर दुर्ग जिले के आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी की ओर से आने वाली रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थी, हमारी टीम लगी हुई थी, उस पर एक पिकअप में सामान आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसी सूचना थी। बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा, घेराबंदी कर SSU टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया, पकड़ा गया। तो उसमें चालक के साथ 2 लोग और सवार थे, उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब उस गाड़ी को देखा गया तो उसमें कोयला भरा हुआ था, लगा कि एक वो बताए कि हम सामान्य कोयला का परिवहन कर रहे हैं, ऐसी कोई